काऊ मीडिया, भ्रष्ट मीडिया, दलाल मीडिया, प्रेशिया मीडिया, इसके सबूत इससे ज्यादा क्या मिलेंगे। वही चीज रिपीट कर करके ये चैनल को कुछ और काम, मतलब इनके रिपोर्टरों का क्या हाल है, ये लोग क्या कर रहे हैं, कोई और मतलब ही नहीं है। जैसे मैंने कल से आज तक मेरा भी दिमाग एकदम गनगन सनसना गया कि मेरे ऊपर भी इसका असर हो गया था। मैं भी सोचने लगा था कि तो बहुत, फिर वही माहौल बनाया जा रहा है जैसे एनआरसी और सीए में शाहीन बाग में कितने लोग बैठे थे यार, करोड़ों मुसलमान शाहीन बाग में बैठ गए थे, दिल्ली की आबादी से ज्यादा। और अरविंद केजरीवाल कमरों से बाहर नहीं निकल रहा है। यहाँ पे डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे देश के मंत्री हैं, उनकी मैं तारीफ करूंगा कि वो लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल, कौन सा अस्पताल है दिल्ली का, वहां गए तो कम से कम। लेकिन न्यूज चैनल मीडिया इतना बिकाऊ, इतना भ्रष्ट, सामने मैंने आपको दिखाया, कल भी मैंने यही खबर देखी, यही खबर, वही खबर रिपीट पे दिखा रहे हैं, वही खबर रिपीट 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 रिपीट, जमातियों ने किया, जमातियों ने वो किया, जमातियों ने ऐसा किया। अबे कितने बिके हुए हो यार, जब तुम्हारे घर वालों, क्या तुम्हारे परिवार में जब कोरोना होगा, क्या हद होती है यार भड़वेगिरी, दलाली की, बिकाऊपने की। प्रेशिया मीडिया एकदम 100% साबित हो गया, दिमाग खराब कर दिया पूरे देश में। कोरोना जैसा संकट इतना बड़ा है, अगर इतना बड़ा कोरोना जैसा संकट है तो हम क्या कहें। कल से मैं ये खबर, आज सवेरे योगी जी ने इसकी मीटिंग ली, जो खबर बता रहे हैं सवेरे की 9, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी अपने घर पे मीटिंग करके निर्देश आज सवेरे जारी कर चुके हैं, क्योंकि कल शाम को ये खबर चल रही थी बुरी तरीके से, कल की घटना है ये। और इसमें भी हिंदू, जो भड़वे हिंदू, जो साले भक्त की दुम है, कल दिया जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, हैं इसी में जुट जाओ बस खाली, डॉक्टरी इलाज के लिए कितने हिंदू भड़वे हैं, जितने वो जो भक्त की दुम साले जो अंट शंट कमेंट लिखते हैं, आओ ना सामने आओ, हॉस्पिटल है एक मेरे पास, आओ चंदा करते हैं, 1 करोड़ रुपया लगाते हैं, चलो एक बहुत बढ़िया हॉस्पिटल बनाते हैं, डॉक्टर्स को हैवी सैलरी देते हैं, जो बड़े महंगे महंगे पीपीई लाते हैं, मास्क लाते हैं, इसमें हवा के दम है, असल बाप की औलाद हो सालों, तो आओ आगे, आओ ना आगे। मीडिया ये कर रहा है बस, वही हिंदू मुसलमान फिर चालू हो गए इसमें भी कोरोना में। अभी मैं अपने मोहल्ले पवनपुरी तक गया टहलते हुए, मोहल्ले 4 कदम की दूरी तक सब्जी की दुकान खुली है, 4 आदमी कुर्सी पर बैठे हैं, शुक्ला जी का जनरल स्टोर खुला है, आराम से सब लोग खड़े हैं, कोई मास्क नहीं लगा, हर आदमी मजाक समझ रहा है, क्योंकि भाजपा के झंडा लगा के एक ठो गाड़ी लेके चलना है किसी को विधायक जी बड़ा बड़ा मास्क लगा के अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन उसके उनके जो भक्त हैं, मोदी के जो भक्त हैं, सत्यानाश किए पड़े, ये मेरी समझ में आ गया। देखो मैं भी थोड़ा सा अटपट आ गया था कि हो क्या रहा है, तो पूरे देश में फैला। मानते हैं जमात से बहुत बड़ी गलती हुई, मानते हैं जमात से निकल के पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फैल रहा है, लेकिन जिस तरीके से मीडिया इस समय काम कर रहा है ना, इसको भड़वा मीडिया 100% के गोदी मीडिया, भड़वा मीडिया 100%, इतने बिकाऊ यार, औकात हो तो अपने घर परिवार, इन सारे रिपोर्टर्स की, सारे के सारे चैनल के मालिकों की, इनके बड़े बड़े रिपोर्टर्स की बड़ी तगड़ी जांच जनता करेगी, रहते कहां, खाते क्या, इनके घर के, इनके जिंदगी पिछले 15 साल में कितनी बदल गई। दम है किसी भक्त में, दम है तुम्हारा, तुम लोग भक्त बन गए हो किसी ना किसी के भक्त, मोदी के भक्त, तुमको मिला क्या मोदी का भक्त बनने की वजह से, बताओ मोदी का भक्त बनने की वजह से तुमको क्या मिला, जो मोदी के लिए लड़े पड़े हो सोशल मीडिया पे, मुसलमानों को गलत बताए पड़े हो। मानते हैं हम भी कि 2, 4, 5, 10 हजार मुसलमान गलत होंगे, लेकिन करोड़ों मुसलमान गलत नहीं है, समझो बात को, मुसलमान भी हमारे देश के वतन नागरिक है, उनकी जान को भी, उनकी जान की भी चिंता है सबको भाई, उनको भी अपने बाल बच्चों की चिंता है, वो भी परेशान है, पूरी दुनिया परेशान है, पूरा विश्व परेशान है, लेकिन हमारे देश का भड़वा मीडिया, प्रेशिया मीडिया, जो पोर्न मीडिया से भी गया बीता है, वो अपनी जात औकात फिर दिखा रहा है। इतना मत बिको पत्रकारो, तुम सबसे बहुत सीनियर पत्रकार हूं मैं, जब ये टीवी मीडिया चालू नहीं हुआ था, जब सोशल मीडिया नहीं था, तब अनिल उपाध्याय पत्रकार थे, लखनऊ के आपके पत्रकारों में मेरा शुमार होता है, तुम सब सालों इतने दल्ले, इतने भड़वे पत्रकार निकल जाओगे, कभी भी मैंने नहीं सोचा, हद से ज्यादा है, हद से ज्यादा है, इतना नहीं होना चाहिए यार। मैं कल से सोच रहा था, एक वीडियो चला, एक वैन में, बंद वैन में, पुलिस की वैन में एक बंदा किसी पे, और चारों तरफ पुलिस वाले उस पे टूट पड़ते हैं मारने, सारी दुनिया को एकदम मीडिया दिखा रहा है कि थूका जा रहा है, थूका जा रहा है, अरे यार कितना। तो वहीं पे एक नर्स का बयान आया कि हम
उन्हीं मुस्लिमों के बीच में हमको कोई दिक्कत नहीं, किसी वही हरकतें हो रही, वही वही बड़वागिरी की हरकतें सारा मीडिया कर रहा है साला। कि मतलब कहीं किसी, जो मैं कहता था पहले कि रकबर हत्याकांड हो या सुबोध या हत्याकांड, इंस्पेक्टर सुबोध की जब हत्या हुई थी तब भी हमने ये कहा था, कहीं पे भी कोई भी घटना होती है तो एक जगह पे एक थाना क्षेत्र में एक घटना होती है और उस घटना को इतना बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है कि क्या बताएं, हद हो गई है साली, ये तो हद हो गई भड़वेगिरी की यार। ऐसे भड़वे मत बनो यार, ईमानदारी की बात करो, सच्चाई की बात करो। हमारा दिमाग भी सुन रहा, हमने कहीं बहुत गलत हो रहा, हम भी मौलाना शाह को उल्टा सीधा पकने लग गए, सबको उल्टा सीधा पकने लग गए। समझिएगा मेरा, हमें समझ में नहीं आया कि अभी क्या हो। कल शाम को मैंने यही न्यूज देखी थी, विश्वास करिए, आज सवेरे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने इसका इसी बात की क्लास ली है, पूरे अफसर्स की, अपने जो यूपी 11 बनाया है मोदी जी का, एक 11 कोर ग्रुप बना है तो योगी का भी एक 11 कोर ग्रुप बना है, 11 कोर ग्रुप के साथ ये मीटिंग कर रहे थे। और वही भड़वा गिरा मीडिया का, वही भड़वा गिरा जो है शुरू हो गई, फिर से शुरू हो गई है। ये उचित नहीं है, ये कहीं से भी उचित नहीं है, इसको समझने की आवश्यकता है। देखिए दोस्तों, आप अपने मोहल्ले की खबर रखिए ना। अभी मैं अपने मोहल्ले की पवनपुरी की बात बता रहा हूँ। मैं टहलता हुआ गया तो चौराहों पे लोग बैठे हैं, सब्जी की दुकानें वैसे ही चल रही हैं, लग रहा है जैसे कुछ हो गई नहीं। और लखनऊ में आज क्या मिला है, लखनऊ में 12 मरीज आज सवेरे पाए गए, तो जमात के ही पाए गए, मान लो जमात के ही पाए गए, कसाई बड़ा सदर क्षेत्र में जमात के मुस्लिम हैं, हमारे मोहल्ले में मुस्लिम घोसी रहते हैं ढेर सारे। कल की मैं बात बता रहा हूँ, ये बात भी सच्ची है अपनी जगह पर। कल मैं संजय कंसल की दुकान पर था तो एक लड़का मुस्लिम लड़का, मैं उसको मुफ्त में मास्क दे रहा था, मैंने 8-10 मास्क सबको बांटे, संजय कंसल को भी बांट पाते, नाम दे लेके कह रहा हूँ, पवनपुरी में संजय कंसल की दुकान पे, वहां पे मैं सबको मास्क बांट रहा था तो उस मुस्लिम लड़के ने मुझसे मास्क नहीं लिया। अब मुझ मेरा खुद खून खोला कि यार ये क्या बताओ यार, मोहल्ले में रहता लड़का मास्क नहीं ले रहा है, कहीं जाएगा कहीं से कोरोना लगवा के आ गया तो मोहल्ले भर में बांटेगा। फिर मैंने ये भी कहा कि हमारे मोहल्ले में एक डेविड करके रहता, उसके परिवार उसके सगे भाई सगी बहन रहते, वो दरवाजे भटक रहा तो इस समय उसको भी कहीं। सरकार क्या मतलब इस समय भी जनता को लड़ा रही है, इससे घटिया बात कोई दूसरी हो सकती है यार? बिल्कुल नहीं हो सकती। सरकार आज भी जनता को लड़ाए तो इससे घटिया बात कोई दूसरी हो नहीं सकती है। अगर आज भी आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं तो इससे घटिया बात कोई हो नहीं सकती है। हम कह तो रहे कि जहां पे भी जो मुसलमान हैं, जो जमात से आए हो, जिनको आपको सारी मस्जिदों की तलाशी ले लीजिए, हिंदू आगे बढ़ के मुस्लिमों के साथ एका करें, चलो भाई हम एक कमेटी बनाते हैं 4-5 लोगों की, दूर दूर बात करेंगे, चलते हैं हम आपकी मस्जिद। कहीं पे भी अगर विदेशी लोग रुकेंगे तो खुद सहयोग करिए। मैंने मुस्लिम विद्वानों के लिए भी कहा कि मुस्लिम इस चीज को खत्म कैसे कर सकते हैं, कि मुस्लिम विद्वान बोले इस बात को, बोलना पड़ेगा इस माहौल में, ये दरियाबादी कह ले, इस नाजुक माहौल में हिंदू मुस्लिम कोई ना करे प्लीज, बहुत खराब हालत चल रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, बहुत खराब हालत चल रहे हैं, ये बहुत घटिया लगा मुझे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, स्पष्ट कहूंगा। वो जो दो कौड़ी के दो टके वाले भक्त मरे गिरे साले, अपना कष्ट दिखाने नीचे इन कमेंट बॉक्स में आइएगा, बहुत से मरे गिरे दो टके वाले फिर आ गए, उन हरामजादों को ये खबर नहीं दिखाई दे रही कि क्या हो रहा है। मैं क्या